अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सोहेल शेख है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बर्ड स्टूडियो। आज एक दफ़ा हमारे व्यूवर्स, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, उनकी खिदमत में दोबारा पेश हैं हम एक नए, समझ लो, टॉपिक के साथ के लिए, या कुछ एक दो टिप्स है जो अपने व्यूवर्स के साथ हमने शेयर करनी है। तो आज का जो समझ लें कि जो जिसके ऊपर हमने बात करनी है, वो बात करनी है एग्स के ऊपर, यानी कि जैसे फीमेल एग ले करती हैं, काफ़ी दफ़ा ऐसी किसी के, काफ़ी फीमेल ऐसी होती हैं जो तीन चार अंडों से ज़्यादा ले करती हैं, यानी कि 5, 6, 7 अंडे तक देती हैं। तो उसके अंदर ये देखने में आता है कि जब तक वो फीमेल अंडों को इंक्यूबेट कर रही है, तब तक तो सही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद जब हैचिंग का टाइम आता है, बच्चा पहला हैच होता है, उसकी फीड हो उसको, यानी कि पेरेंट्स जो उसको फीड कराना शुरू करते हैं, तो लाजमी सी बात है वो ड्रॉपिंग भी करता है, वो बीट करता है। उसके बाद वो एक दिन छोड़ के दूसरा अंडा हैच होता है, दूसरा बच्चा निकलता है। इसी तरीके से एक दिन छोड़ के आपके बच्चे निकलने होते हैं। तो होता ये है कि जब वो बच्चे, 3-4 बच्चे आपके बॉक्स के अंदर आ जाते हैं, तो फिर वो बच्चों की वजह से फीमेल का भी, जो बाकी आपके पीछे 1, 2, 3 अंडे जो भी रह गए, उनकी तरफ से थोड़ी सी तवज्जो हट जाती है बच्चों की तरफ, उनको फीड कराने पर उनकी तवज्जो ज़्यादा हो जाती है जो पेरेंट्स होते हैं। तो इसके अलावा जो उनकी ड्रॉपिंग हो रही होती है, उसकी वजह से आपके जो अंडे पीछे रह जाते हैं, 1-2 जो भी अंडे रह जाते हैं, वो देखने में आता है कि वो जो होते हैं, वो उनकी ड्रॉपिंग की वजह से वो गंदे होना शुरू हो जाते हैं। वो इस हद तक गंदे हो जाते हैं कि जो अंडे के ऊपर ड्रॉपिंग की वजह से अंदर जो उनको बच्चा जो होता है, जो अंदर अंडे के बच्चा पल रहा होता है, उसको ऑक्सीजन जो है वो पूरी मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से आगे के हमारे जो अंडे हैं वो डेड इन सेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार चलो 3 बच्चे आ गए, 4 बच्चे आ गए, बहुत है, बहुत अच्छा क्लच है। लेकिन अगर हम अब थोड़ी सी अपनी एफर्ट करें, थोड़ा सा, यानी कि अपनी एफर्ट करने के बाद हम आखिरी अंडे तक हम हैच करवा सकते हैं, भले वो 6ठा अंडा हो, 5वां हो, 7वां हो, तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज इत्तेफाक था कि मैं अपने बॉक्स चेक कर रहा था, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हैचिंग स्टार्ट हो गई, तो मैंने देखा कि एक अंडा जो है वो काफ़ी, यानी कि गंदा हो गया। तो उसकी कंडीशन ये है कि या तो वो डेड इन सेल हो जाए, अगर वो डेड इन सेल नहीं भी होता है, वो हैच हो जाता है, बच्चा बाहर निकल आता है, तो बाकी जो उसके निस्बत उसके जो पहले बच्चे निकले, उनका साइज़ इतना हो गया, यानी कि वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो उसने वैसे ही उनके नीचे दबके एक्सपायर हो जाना है। क्योंकि जब तक मुझे पता चलेगा, मैं आके देखूँगा किस टाइम वो हैच होता है, क्योंकि किसी को नहीं पता, जब तक मेरी नज़र पड़ेगी उसका काम तमाम हो चुका होगा। तो उसको मैंने सोचा कि यार मैं संडे को कहीं यहाँ से शिफ्ट करना, उसका साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो मैं आपको आपको दिखाऊंगा अब आगे। अब मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, और वो अंडा भी दिखाता हूँ, और उस बॉक्स की कंडीशन भी दिखाता हूँ, और अंडे की भी, और उसके बाद हमने अंडे के साथ क्या करना है, किस तरीके से उसको कहाँ शिफ्ट करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलें तो अब चलते हैं हम अपने बॉक्स की तरफ। ताहिर भाई आ जाएँ। अच्छा, अभी ये ताहिर भाई थोड़ा सा फ्लैश लाइट जलाएँ। अब आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर कंडीशन आप देख सकते हैं, इसके अंदर माशाल्लाह से ये 5 अंडे मैंने इसके अंदर रखे थे, ये मेरा फॉस्टर पेयर है, ठीक है। अब इसमें 5 अंडे रखे थे, जिसमें मैं आपको बाहर बाहर निकाल के दिखाता हूँ ताहिर भाई। अब आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से 4 बच्चे जो है वो निकल आए, ठीक है। सबसे छोटा बच्चा ये 2 दिन का, यानी कि 2 दिन पहले ये हैच हुआ है। अब आप इनकी कंडीशन देखें, अब इनके साथ जो अंडा रखा हुआ है 5वां, आप इसकी भी कंडीशन देख लें, क्या इस अंडे के साथ हो गया, इनकी ड्रॉपिंग की वजह से ये बिल्कुल, यानी कि मेला हो गया इस तरीके से। अब ये अगर ये हैच भी हो जाता है, तो इन बच्चों के नीचे आके ताहिर भाई, इस बच्चे को जो इसमें से निकलना है, इसने एक्सपायर हो जाना है, ठीक है। तो अब हम इसके साथ जो करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। और ये अंडा, ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑफलाइन के बच्चे हैं, ठीक है, ये उसके बच्चे हैं, ये उसका अंडा है। अब ये जो अंडा है, ठीक है, इसकी कीमत कम से कम इसकी 40,000 रुपये हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इस अंडे की कीमत 70,000 रुपये हो सकती है। अब हम अपने ये 40 से लेके 70,000 रुपये बचा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बाकी बचाने वाला जो है वो रब की ज़ात है, हमारी जो एफर्ट है वो कर सकते हैं। तो अब आपको करना ये है कि आप इस अंडे की कंडीशन देखें। अब आपने इस अंडे को सबसे पहले तो थोड़ी सी कॉटन लेनी है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। कॉटन को आपने थोड़ा सा इसको पानी के अंदर, वाटर के अंदर जो है उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब ये देखें, अब इसको जब आप गीला करके इसकी थोड़ी सी आपने सफाई करनी है अंडे की,
ताकि बच्चा जो है अंदर उसको ऑक्सीजन जो है प्रॉपर वो पहुंच सके। इस तरीके से आप बिल्कुल सिलो हाथ से आराम आराम से जब इसको करेंगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर ये आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा, लेकिन जैसे जैसे अंडा गीला होता जाएगा वो साफ़ होता चला जाएगा। ये देखें ये किस हद तक ये जो है ड्रॉपिंग की वजह से अंडा गंदा हो चुका है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये हैच हो भी जाता ना, अक्सर देखने में ऐसा आया है कि आप देखते हैं कोई बॉक्स खोलते हैं, कई लोगों के मैंने देखा है 3 बच्चे निकले हैं, बाकी 2 अंडे जो हैं उनके पास ख़राब पड़े हुए हैं, डेड इन सेल हो गए हैं। वो वजह यही रहती है कि उनको बाकी जो अंडे हैं उनकी परवाह होती नहीं है, उनको वो उसका बेचारों को या तो पता नहीं होता है कि उसके साथ करना क्या है, इस वजह से वो डेड इन सेल हो जाते हैं आगे जाके। तो अब आप देख सकते हैं ये अंडा बिल्कुल साफ़ हो गया। अब इस अंडे को भी मैं आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल फर्टाइल अंडा है, इसमें बच्चा भी जो है बिल्कुल तैयार होगा। ये देखें ठीक है, ये आजकल के अंदर निकलने वाला है। मेरे हिसाब से इसमें से कल या परसों बच्चा निकल जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसको इसके साथ, अब इसके ऊपर हम लिखेंगे ठीक है। अच्छा ये जो है ये भी मेरा फोस्टर पेयर था जो ये बच्चे पाल रहा है, ये ऑफलाइन के अंडे हैं जो मैंने रोजी कोली ऑफलाइन के पास इसको फोस्टर किए हैं। अब ये ऑफलाइन का अंडा है तो इसके ऊपर आप लिख के ठीक है। अब मैं इसको दूसरी जगह फोस्टर कर दूंगा। चले अब मैंने इसको जिधर फोस्टर करना है ताहिर भाई उधर चलते हैं अपन। अब ये भी मेरा एक फोस्टर पेयर है, यहाँ पर भी दूसरे के मैंने अंडे फोस्टर किए हुए जो बच्चे अंडे निकले हुए देखें। अब इस बॉक्स की आप कंडीशन देखें, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ये भी सारे फोस्टर किए हुए अंडे, कुछ इसके अंदर भी ऑफलाइन के कुछ अल्बाइनो के अंडे हैं और एक बच्चा इसमें निकला हुआ है आप देख रहे हैं, वो बच्चा बिल्कुल छोटा है ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पर ही अंडा रख देते इस अंडे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडे के ऊपर भी हमने लिख दिया है। अच्छा ये जो अंडा है इसमें से भी बच्चा ब्लैक आई निकलना है, और जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये पहले जो बच्चा निकला हुआ है इसको ताहिर भाई थोड़ा सा क्लोज करें, ये भी ब्लैक आई है ठीक है। तो अब आपने ये करना, अंडे को आपने यहाँ फोस्टर कर देना है ठीक है। उसके बाद जो है इस बच्चे को हम जो है ना इसको मार्कर से जो है इसके ऊपर निशान लगा देंगे, ताकि हमारा बच्चा जो है वो निकल भी जाए, अगर हम थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो बच्चे आपस में मिक्स ना हो। ये देखें इस तरीके से आपने मार्किंग करनी है और इसको वापसी इस बॉक्स के अंदर रख देना है और अल्लाह ताला के हवाले कर देना है। करने वाली ज़ात रब की है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो ये अंडा अब जो है हमने यहाँ पर फोस्टर कर दिया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज या फिर कल या फिर परसों इसको हैच हो जाना है। तो जैसे ही हैच होता है तो इसकी आगे की वीडियो फिर हम बना के इसी वीडियो के साथ लगा के यानी कि आप व्यूअर्स तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह जोड़ के। तो जी दोस्तों, वो जो हमने एक फोस्टर किया था जैसे हमने आपको दिखाया था, हमने आज बताया भी था उसके अंदर कि हम ये जब अंडा हैच होगा तो इसके आगे की वीडियो हम इसी के साथ जोड़ के आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो अंडा हैच हो गया है, तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। अब आ जाएँ ताहिर भाई, ये वो बॉक्स है जहाँ पर हमने वो अंडा शिफ्ट किया था, ये फीमेल। अब ये देखें, अब ये 2 बच्चे हैं ठीक है। हमने जो ऑफलाइन का अंडा इसके अंदर रखा था वो हैच हो चुका है, तो मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हैं आप, ये वो बच्चा है जिसको हमने निशान लगा के रखा था, और ये बच्चा जो अभी हैच हुआ है, और देखें इसको माशाल्लाह फीड भी हुई है ठीक है। अब इस बच्चे को यहीं पर ही क्या कहते हैं इसको पलना है। अब अगर इसको मैं वहाँ पर ले जाके शिफ्ट करता हूँ यानी कि जहाँ से हमने मैंने ये अंडा उठाया था, तो उससे होगा ये बच्चा वहाँ पर भी जिस जो यानी कि जितना ये छोटा है वहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसको हमने यहीं पर रखना है, यहीं पर इसको पालना है, इसी को यहीं पर बड़ा करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बड़ा होके बिल्कुल सेल्फ होगा। तो बस ये थी एक हमारी आज छोटी सी एक टिप्स थी, समझ लें हमारी एक छोटी सी वीडियो थी। अच्छा इसके अंदर जो ये अंडा है ये बच्चा जो है ये ऑफलाइन है ठीक है, ऑफलाइन का यानी कि ऑफलाइन इनटू जैसे मैंने बताया था वॉलेट यूइंग फिशरी। अब इसके अंदर ये मेल हुआ तो स्प्लिट ऑफलाइन होगा ये। तो अब इसके अंदर जो पहले अंडा इसके अंदर जो पड़ा हुआ है यानी कि बच्चा जो पहले इसमें हैच होया हुआ है निकला हुआ है वो है पारबिलू का, पारबिलू इनटू अल्बाइनो का। अब ये भी अगर पारबिलू हुआ यूविंग नहीं हुआ सादा हुआ तो फिर इनके अंदर डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि भाई
फार ब्लू स्प्लिट इन वाला कौन सा है और स्प्लिट ऑफलाइन वाला कौन सा है। तो हमने ये करना है कि जब तक इस बच्चे को, यानी कि ये बच्चा या वो इतना बड़ा ना हो जाए कि जिसको हम रिंग बना सके, यानी कि कम से कम 15 दिन का नहीं हो जाए, जब तक हमने इसको मार्किंग से जिससे कि उसको निशान लगाया था उसको निशान को मिटने नहीं देना है, ठीक है। उसको दो हर एक दो दिन बाद मार्किंग से निशान लगा देना, ताकि ये बच्चे दोनों अलग अलग हम पहचान सकें। और इनके ऊपर जो है हम जब रिंग पहना देंगे, एक दफ़ा रिंग बैंडेड हो जाएंगे, उसके बाद हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जब रिंग पहनाने के बाद हम नंबर नोट कर लेंगे कि आया ये बच्चा जो ऑफलाइन का स्प्लिट है और ये जो है स्प्लिट इनो है। तो उम्मीद करता हूँ, इसको रखते हैं हम इधर बॉक्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी वीडियो थी, एक समझ लेके छोटा सा हमारा टॉपिक था, टिप्स हमने दिए, तो इस तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी काफ़ी सारे इससे आपको फ़ायदे ले सकते हैं, काफ़ी सारे बच्चे आप ज़्यादा ले सकते हैं, यानी कि डेड इन शेल होने से आप बचा सकते हैं आगे के अंडे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार करके ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।